Hi guys, IBPS forms are out. So IBPS PO notification is out today. So ctking.com/IBPS PO, you can go to the link, you can find all the details. Link dhoondna is next to impossible. Trust me yaar, itna log ghumate hai na, Google itna ghumayega tumhe na to link dene ke liye. So I'm giving the direct link for the notification, direct link for applying online, and you can also to join us for the mock program for IBPS, you can click on the link here. Fine. So today we are getting the notification. So that's why I'm making this video, to understand whether I should apply for it or not. Karna chahiye ke nahi karna chahiye. We'll look at that thing. All right. So number one, why I should apply? It's a government job. Trust me, guys. There is a huge crowd, huge scope. For the government job. Okay. So यार पहला डाउट ना लोगों का भी कमेंट आएगा, सबसे पहला कमेंट ट्रस्ट मी, ये इजी नहीं निकालना, बहुत टफ होता है, कोचिंग वाले तो ऐसे ही बोलते हैं। तो भाई टफ तो है यार, इजी कौन सा है, तो एमबीए कौन सा इजी है? दोज हु आर गोइंग फॉर एमबीए, एमबीए का आईएम निकालना कौन सा इजी है यार? तो बेटा लाइफ में इजी कुछ नहीं मिलने वाला, कि ये नोटिफिकेशन आया, तुमने फॉर्म भर दिया और जय माता दी एडमिशन मिल गई, जॉब मिल गया, चलो बेटा। इतना तुम अपन अच्छे होते ना तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, लाइफ में बहुत आगे निकल गए होते। एंड किस्मत अपनी पांडू है, मान जाओ बेटा, सब कुछ आराम से नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। एप्लीकेशन फॉर्म इज ओनली 175 rupees फॉर SC ST एंड ओपन कैटेगरी 850। नाउ दो जो गोइंग फॉर MBA, दिस कैन एक्ट एज अ वेरी वेरी गुड बैकअप प्लान यार, इन केस JB ना हुआ, इन केस IIM ना हुआ, SPGEN ना हुआ, तो मेरे को बैकअप चाहिए। सो दिस कैन एक्ट एज अ वेरी गुड बैकअप प्लान। पब्लिक फालतू एग्जाम देती है यार, ट्रस्ट मी गाइस, आई कांट नेम द एग्जाम आल्सो जो MBA के नाम पे पब्लिक देके आती है, वो कॉलेज में जहाँ प्लेसमेंट भी नहीं है उधर जाके पब्लिक फॉर्म भर के आती है। तो फालतू फॉर्म भरने की जगह आई कैन गो फॉर IPS। ओके, सो दिस इज अ कंप्लीट टाइमलाइन, यू कैन चेक आउट ऑन द लिंक ctking.com/IBPS। एग्जाम इज गोइंग टू बी हैपन ऑन 4th December to 11th December, ठीक है, इसके बीच में आपका एग्जाम रहेगा। ओके, देन उसके बाद इंटरव्यू, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। सो फेज वन इज प्रीलिम्स, फेज टू इज अ मेन एग्जाम, एंड देन फॉर द इंटरव्यू, देर आर थ्री फेजेस, ठीक है, हर एक अलग प्रिपरेशन है यार। सो दैट्स योर प्रीलिम स्ट्रेटजी फॉर दैट। सो टारगेट, इफ यू लुक एट द कट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द प्रीलिम्स, योर टारगेट स्कोर इज आउट ऑफ 100 mark पेपर इज टू स्कोर 63 marks, अटेम्प्ट शुड बी अराउंड 80, अगेन डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी, अटेम्प्ट टारगेट अटेम्प्ट शुड बी अराउंड 80 ऑन द एग्जाम डे, अगर कर सकते हो तो वी कैन डू दैट यार। गोइंग एनीवेयर एल्स, प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, तो दिस कैन एक्ट एज अ वेरी गुड बैकअप प्लान, ठीक है। मेरे को वो भी कमेंट आएंगे, अरे भैया इससे अच्छा तो MBA कर लो। तो MBA करना बेटा बोलना बहुत ईजी है, कमेंट मारना बहुत ईजी है। एक कमेंट वो भी आता है हर बार, इससे अच्छा मैं UPSC निकाल लूँ। दोनों ट्राई करो, हिम्मत है जब तक बेटा लगे रहो, जब तक हिम्मत है जब तक जान है। इसमें भी एज लिमिट आ गया है, सो एवरी गुड साइड द बेस्ट साइड, सो यू हैव टू बी मिनिमम 20 years to 30 years के बीच में। You cannot apply if you are born earlier than 2nd of October 91 and not later than 1st of October 2021. And if you are from SCST, there is a rebate of number of years you can apply. You can check out the details. Participating bank, all these banks are participating in this. Yep, you can get a job here. And this is the growth chart. You will start as a probatory officer, then directly manager. सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, एंड दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स हियर। सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स विच हैव कम आउट इज 4135। अभी ये नॉट रिपोर्टेड, कुछ बैंक ने, इंडियन बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी सीट्स रिपोर्ट नहीं किए, रिक्वायरमेंट्स रिपोर्ट नहीं किए। सो टोटल 4100 सीट्स आर देयर टू ग्रैब। ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन रहने वाला है यार, कॉम्पिटिशन हर चीज के लिए रहने वाला है, ठीक है। पैदा होने से लेके मरने तक बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ आराम से नहीं मिलता। जब तक तू रोएगा नहीं, मम्मी भी दूध नहीं देती भैया,
बच्चा जब तक रोएगा नहीं तो मम्मी भी उसको दूध नहीं देती, खाना नहीं खिलाती है। तो मेहनत तो मुझको बेचारे को मेहनत करनी होती है, रो रो के बोलना पड़ता है कि भैया पिला दो, दूध पिला दो, खाना खिला दो। तो सेम वे हमें भी हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्डवर्क से मत जुड़े। सीटें कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा, ये है वो है, ऑल आई नो इज 4,000 पीपल आर गोइंग देयर, 4,000 लोग जाने वाले, तुम उसमें हो कि नहीं, तुम अपनी बात करो। फाइन, डिस्करेज करने वाले बहुत मिलेंगे, अरे नहीं होने वाला, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। फाइन, लाइक यूपीएससी का मैंने एग्जाम्पल दिया, आई एम नॉट सिंग कि यूपीएससी क्रैक करना बहुत टफ है, ये है वो है, मैंने बोल दिया भैया मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने डैड को पहले कह दिया, डैड अपने बस की बात नहीं है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट दोबारा पढ़ना मेरे में हिम्मत नहीं, आई एम सॉरी। मैनेजमेंट बस वो था मच मोर इजियर गेम फॉर मी टू क्रैक। ऑलराइट, हाउ यू फील अबाउट दिस, प्लीज डू कमेंट। ऑल द बेस्ट।